एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका देखा था। अब इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको हम कैसे लिख सकते हैं। और एफ ब्लॉक का भैया मेरे जेई मेंस और नीट वाला पकड़ लिया है, हमेशा पूछ रहा है। और ये देखो, ये तो नीट में आया था 2017 में 114 का, अब ये देखो 2016 में भी आया। ये टोटली एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आया। और इस साल जो जेई मेंस 2020 हुआ है ना, उसमें सेम यही क्वेश्चन उठा के दे दिया है, जेई मेन 2020 में यही वाला क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका आपको आना चाहिए, और इतनी बेहतर तरीका मैं बताया हूँ उसको ध्यान में रखिए, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो भैया मेरे एफ ब्लॉक में कहाँ कहाँ एक्सेप्शन होता है, तो ध्यान में रखो। अब जानते हैं कि लैंथेनाइट, लैंथेनाइट की शुरुआत कहाँ से होती है, लैंथेनाइट की शुरुआत 58 से 71 तक होती है, ठीक है। लैंथेनाइट जो होते हैं, 51 वाला एलिमेंट कौन सा होता है, सेरियम होता है, और इसका क्या होता है लास्ट वाला एलिमेंट, लुटियम होता है, ठीक है। 14 एलिमेंट होते हैं सब में, लैंथेनाइट में भी 14 एलिमेंट होते हैं और एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एक्टिनॉइड, ठीक है। एक्टिनाइड की शुरुआत कहाँ से होती है आपकी, 90 से लेकर 103 तक होती है, ठीक है। और इसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। तो इनमें एक्सेप्शनल कौन कौन सा होता है, तो ध्यान में रखिए, लैंथेनाइड में फर्स्ट वाले एलिमेंट, मिडिल वाले एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, सेरियम होता है, मिडिल वाला गैडोलिनियम होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, लुटियम होता है। तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेरियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो तुमको पता है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होता है, 58 से, ख़त्म किस पे होता है, 71 पे। तो फर्स्ट का एटॉमिक नंबर और लास्ट का एटॉमिक नंबर तो ऐसे ही पता रहता है, सबको पता रहता है कि 58 से 71 के बीच में लैंथेनाइड होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 51 हो गया, लास्ट एलिमेंट क्या हो गया आपका, 71 हो गया, ठीक, सेरियम और लुटियम, ओके। मिडिल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, एटॉमिक नंबर याद रखना है, तो एटॉमिक नंबर क्या इसका होता है, 64 होता है। ये कैसे याद रखेंगे, अच्छा एक बात बताओ भाई, 14 एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट में पहला नंबर, फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, 1, मिडिल नंबर कौन सा होता है, 7, और लास्ट नंबर कौन सा होता है, 14। 114 के बीच में फर्स्ट नंबर कौन होता है, 1, लास्ट नंबर, मिडिल नंबर कौन सा होता है, 7, और लास्ट नंबर कौन सा होता है, 14। तो फर्स्ट में हम कितना जोड़ेंगे, तो मिडिल वाला नंबर मिल रहा है 6 ऐड करने पे, ठीक है, 6 ऐड करने पे। और वही अगर फर्स्ट में हम कितना जोड़ेंगे, तो लास्ट वाला मिल रहा है 13 ऐड करने पे, बात समझ आ रही है। तो वही अगर 58 भी तुमको पता है, तो 58 में देखो, फर्स्ट मिडिल लास्ट मैंने बोल दिया, तो 58 में क्या जोड़ोगे, 58 में 6 जोड़ो कितना मिला, 64 मिला ना, और 58 में 13 जोड़ो कितना मिला, 71 मिला, तो बात समझ में आ रही है। फर्स्ट मिडिल और लास्ट ऐसे याद रखो, और फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है तो दोनों का आराम से निकाल लोगे, क्योंकि मिडिल का निकालने का तरीका क्या है, 6 जोड़ोगे, और लास्ट का निकालने के लिए क्या जोड़ोगे, 13 जोड़ोगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 4F सीरीज जो होता है, जिसे लैंथेनाइड कहते हैं, उसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका होता है, फर्स्ट एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58, मिडिल एलिमेंट का 64, और लास्ट का 71। फर्स्ट और लास्ट सबको पता होता है, मिडिल का 64 होता है। नहीं पता है तो फर्स्ट में 6 जोड़ना, और तो मिडिल वाला मिल जाएगा, फर्स्ट में 13 जोड़ना तो क्या मिल जाएगा, लास्ट वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो इनका एक्सेप्शनल होता है, ठीक है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट। 5F सीरीज में जो एक्टिनाइड होते हैं, उसमें भी क्या होता है, फर्स्ट के जो 4 एलिमेंट होते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, देखो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, इनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये मिडिल वाला और लास्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट के 4, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ये फर्स्ट वाले हो गए, मिडिल हो गए, लास्ट हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट मिडिल लास्ट करके मैंने ये तरीका बनाया, और इसका एटॉमिक नंबर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, कैसे, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है एक्टिनाइड की, 90 से, तो 90 थोरियम हो गया, इसका 91 हो जाएगा, प्रोटेक्टिनियम का, यूरेनियम का 92 हो जाएगा, और नेपच्यूनियम का 93 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट में 6 जोड़ोगे तो मिडिल वाला का मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 96 आ जाएगा, ओके। और लास्ट वाला तो तुम्हें पता ही है, 103 होगा, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होता है, 90 से, ख़त्म कितना होता है, 103 पे ख़त्म होता है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे एटॉमिक नंबर हम याद रख सकते हैं, फर्स्ट मिडिल और लास्ट करके। फर्स्ट मिडिल वाला एलिमेंट को पाने के लिए फर्स्ट में कितना जोड़ोगे, 6, और लास्ट वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पाने के लिए क्या जोड़ोगे, 13, बात समझ में आ रही है। अब बात ये आती है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे तो भैया मेरे रूल के ही हिसाब से, जैसे फर्स्ट एलिमेंट सेरियम हो गया तुम्हारा, और मिडिल एलिमेंट क्या हो गया, गैडोलिनियम, और लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, लुटियम। तो फर्स्ट का एटॉमिक नंबर 58 है,
लास्ट मिडिल का 64 और लास्ट का 71। तो रूल के हिसाब से ही लिखो। रूल मैंने क्या बताया था पिछले, तो सोचना है कि इससे पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है, तो जेनॉन 54 आएगा। ठीक है, जेनॉन 54 के बाद हमें क्या 6s, ठीक है 6s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद 5d में भरेंगे। तो देखो जेनॉन 54 के बाद उसी तरह इनका भी सब लिख लो, एक ही झटके में सब बता दे रहा हूँ मैं। तो जेनॉन 54 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 6s, 4f, 5d। सिमिलरली ये तरीका मैंने बताया हूँ कि ये कैसे निकलता है पिछले लेक्चर में, जेनॉन 54 के बाद 6s, 4f, 5d। ठीक है, तो देखो जेनॉन 54 हो गया, 54 के बाद s में दो इलेक्ट्रॉन भर देना, ठीक है, जो भी s ऑर्बिटल निकले s में दो इलेक्ट्रॉन भर देना। उसके बाद क्या करना है तुमको, देखो भैया मेरे 4f और 5d में, यहीं में हमें एक बात याद रखनी है कि देखो भैया मेरे 4f भरने से पहले 5d को हमें एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन बचा है, देखो s6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, 6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे उनमें से एक 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 इलेक्ट्रॉन किसको दे देना है, 5d को दे देना है। एक इलेक्ट्रॉन किसको देना है, 5d को देना है। एक इलेक्ट्रॉन किसको देना है, 5d को देना है। अब जो बच जाए तब उसको किस में भरना है, 4f में भरना है। समझ में आ रहा है? तो सीरियम 58 के बाद 54 हो गया, 54 और ये कितना हो गया 56, और d को एक दे दिए तो 57 हो गया। तो f में कितना भरा जाएगा, एक भरा जाएगा, ठीक है। उसी तरह 54 के बाद इसको क्या हो गया, 54 और ये 56 हो गया, और ये 57 हो गया, 57 हो गया, 57 में के बाद अब कितना बच गया इलेक्ट्रॉन, कितना बच गया, 7 बच गया, तो 7 इसको दे देंगे। सिंपली यही याद रखना है कि 4f में भरने से पहले हम किस में भरेंगे, आपको 5d को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद d में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको 4f में भरेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ में भी 6s में दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद d को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, और बाकी जो बच जाए उसको किस में देना है, f में देना है। तो यहाँ पे कितना बाकी बच जाएगा, 14 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट अपनाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 4f में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले d को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, d को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको 4f में भरते हैं, ठीक है। रूल के हिसाब से लिखते हैं, ये सारा रूल के हिसाब से निकलेगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया ना कि कौन सी नोबल गैस आएगी, फिर ऐसे s कैसे निकलेगा, f कैसे निकलेगा, 5d कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो d ब्लॉक f ब्लॉक का आपको याद रखना है कि रूल के हिसाब से ये लिखिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एक जगह आपको ध्यान में रखना है कि 6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4f और 5d वाले में जब f ऑर्बिटल d वाले में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो d को पहले एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसके बाद से जो बच जाए उसको 4f में भरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके लेंथेनाइड वालों का, ठीक है। अब एक्टिनाइड वालों का देख लेते हैं, एक्टिनाइड वालों का कैसे हो जाएगा भाई मेरे। एक्टिनाइड में मैंने क्या बोला कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, इनमें एक्सेप्शन होता है। मिडिल वाला कौन सा होता है, क्यूरियम होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, लॉरेंसियम होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 90, इसका 91, इसका 92, इसका 93, इसका 96 और इसका 103। तो रूल के हिसाब से हम लिखेंगे, तो इससे पहले कौन सी नोबल गैस आ जाएगी भाई, रेडॉन 86 आ जाएगा, और 7s निकलेगा, उसके बाद से आपका क्या निकलेगा, 5f निकलेगा और 6d निकलेगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे भी क्या निकलेगा, रेडॉन के बाद रेडॉन 86, 7s, 5f और 6d निकलेगा, ठीक है। सबका ऐसे लिख ले रहा हूँ, बता दूंगा ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, 7s, 5f, 6d, एक ही झटके में बता दूंगा आपको, ठीक है। ये रेडॉन के बाद 7s निकलेगा, इसका भी 5f और 6d, यहाँ पे भी क्या होगा, रेडॉन 86 के बाद 7s, 5f, 6d, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा आपका, रेडॉन 86 के बाद 7s, 5f, 6d। ये सब कैसे निकल रहा है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया, दो तीन लेक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ऐसे करके इनका हम लिख लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, मैंने क्या बोला, पहले s में इलेक्ट्रॉन भर दो, तो पहले s को इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, तो s में पहले इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद d को पहले एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो d को पहले एक इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, d को पहले एक इलेक्ट्रॉन दे दो, d को पहले एक इलेक्ट्रॉन दे दो,
ठीक है। और बाकी जो इसको स्टार मार्क करो, थोरियम को स्टार मार्क क्यों करो अभी बता रहा हूँ। तो डी को जब हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो बाकी यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखो यहाँ पे 86 और ये दो कितना हो गया भाई मेरे, 86 और दो हो गया 88 और ये 89, 89 हो गया, बचा कितना 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 14 भर दिए, ठीक है। इसमें यही करते हैं, 7s में दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जब f और d में भरा जाता है तो d को पहले एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और जो बच जाता है उसको तब जाके हम f में भरते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्यूरियम में क्या होगा, आपको जब d को एक 7s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद d को एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, d को इलेक्ट्रॉन एक दे देंगे तो बच कितना जा रहा है, 7 बच जा रहा है, तो इसको यहाँ भर देंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए नेपच्यूनियम 93, 93 के बाद आपका क्या पे है, देखिए 86, दो कितना हो गया 88, एक 89 हो गया, 89 और 89 कितना बच गया, 4 बच गया, तो इसको 4 कर दीजिएगा, 4 दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 7s2 हो गया, तो 92 का लिखना है हमें, तो 88 दो क्या हो गया, 88 दो 86, दो 88, 88 एक 89, 89 में कितना जोड़ेंगे तो 92 आएगा, 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ दे देंगे, सिंपली एस में इलेक्ट्रॉन देने के बाद एफ में नहीं देंगे, पहले डी को एक दे देंगे, डी को एक देने के बाद जो बचे उसे एफ में भरेंगे, सिंपली, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 7s2 में एस में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद डी को एक दे देंगे, बाकी कितना बच गया भैया मेरे, देखो 89 हो गया, 89 और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे जानते हो क्या होता है, थोरियम को स्टार मार्क क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे 86 दो 88 हो गए, 88 अब दो इलेक्ट्रॉन को भरना है तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन डी को दे देते हैं, यहाँ पे एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। थोरियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसके एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ यही ध्यान में रख, देखो एफ ब्लॉक में यही ध्यान में रखना है कि एस में दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद डी को पहले हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और बाकी जो बच जाए उसको एफ में भरेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन थोरियम के केस में क्या होगा, थोरियम में जो होता है एस में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन डी को दे देते हैं, थोरियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसके एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, समझ में आया। तो उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि रूल के हिसाब से इनका लिखना, रूल के हिसाब से जो रूल पीछे मैंने बताया है कि ऐसे कौन सी नोबल गैस आएगी, ठीक है, एस के लिए क्या होगा एन प्लस वन एस हो जाएगा, डी के लिए एन डी हो जाएगा, एफ के लिए क्या हो जाएगा एन माइनस वन एफ हो जाएगा, तो रूल के हिसाब से ये निकाल लेना। अब लिखते समय क्या तुमको ध्यान में रखना है, लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि एस में दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जब एफ और डी में भरेंगे तो डी को पहले एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो डी को पहले एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे एफ में भरेंगे। बार बार बोल रहा हूँ कि आपको रट जाए, ठीक है, डी को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो आपको क्या हो जाना है, अब जो बचे उसको एफ में देना है। लेकिन थोरियम के केस में क्या करना है, आपको दोनों इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन डी को देना है और एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये होता है आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का लिखने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो आया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसका किसका आया है आपका, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट क्या दिया है, 63 दिया है, 64 दिया हुआ है और 65 दिया है, इसका आंसर आपका ए आता है, ओके ए आता है। आप लिख के देखिएगा, मैंने क्योंकि तरीका बता दिया, क्योंकि 64 वाला यहाँ पे एक्सेप्शनल होता है, बाकी इसका रूल के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ करवा ही देता हूँ, जैसे 63 वाला, 64 वाला तो मैंने दिखाई दिया, 63 वाला क्या लिखेंगे, कैसे सोचेंगे कौन सी नोबल गैस इससे पहले आ रही है, तो जनोन 54 आ जाएगा, इसका सेल नंबर कौन सा है, पांचवा है, तो इसके बाद कौन सा एस और पी भरा जाएगा भाई मेरे, एन प्लस वन एस और पी, एन प्लस वन भरा जाएगा, मतलब 6s 6p भरा जाएगा। डी के लिए क्या करेंगे, एन डी करेंगे, मतलब कौन सा डी भरा जाएगा यहाँ पे, 5d, क्योंकि 5 है यहाँ पे एन की वैल्यू। और एफ के लिए क्या कर देंगे, एन माइनस वन एफ भरा जाएगा, ठीक है, तो कौन सा 5 में से 1 माइनस चला जाएगा तो 4f भरा जाएगा, ओके। तो रूल के हिसाब से लिखना है, तो इनमें से अब किस में पहले भरते हैं, हम s में पहले भरते हैं, उसके बाद नीचे से ऊपर, तो 6s2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 4f, f में कितना भरेंगे भैया मेरे, देखो 54 दो हो गया 56, 56 हो गया 56 और 4 60, 60 और 3 4 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। देखो 54 दो 56 हो गया, 56 7 63 हो गया, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 63 का। उसी तरह 64 क्या हो गया, एक्सेप्शनल वाला है, तो 64 का भी मैंने बताया कि डी में पहले एक दे देना उसके बाद भरना हो, ठीक है। उसके बाद 65 का है, तो 65 का भी इसी तरह से निकाल लेना ऐसे करके जो रूल बताया मैंने, और उसी तरह से भर लेना, ठीक। तो सिंपली दो तीन लेक्चर अगर देखोगे
दो तीन लेक्चर जो पीछे वाले बताए तो आप इजीली निकाल लेंगे। बड़ा आसान तरीका है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी विद इन 10 सेकंड लिख सकते हैं, तो आंसर इसका ये निकल के आएगा। ठीक है, जो तरीका बताया हूँ उसको सीख लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ओके, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का लिखने का तरीका। ओके, बाकी सबका रूल के हिसाब से लिख सकते हैं, ये फर्स्ट मिडिल और लास्ट याद रखना, और फर्स्ट के थोड़े थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, मिडिल और लास्ट इनका होता है एक्सेप्शनल। ठीक है, ओके, चलो ये सही हो गया, समझ में आया। अच्छा लगा हो तो भाई मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि एक्सेप्शनल वाले में बहुत कंफ्यूजन होती है तुम लोग को। ओके, अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके।